झारखंड प्रदेश कांग्रेस भवन में आज इंडिया की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी और ये झारखंड कांग्रेस कार्यालय में पहली इंडिया की बैठक रखी गई थी। आपको बता दें कि इसमें तमाम इंडिया के घटक दल मौजूद थे और इस बैठक में मणिपुर हिंसा को लेकर के रणनीति तैयार की गई कि आखिर किस तरीके से केंद्र सरकार को अपनी आवाज़ पहुँचानी है ताकि मणिपुर में हो रही घटनाओं पर रोक लग सके, वहाँ पर जो शांति है वो बहाल वहाँ पर की जा सके, शांति जो है वहाँ पर किस तरीके से हो, तमाम चीज़ों को लेकर के आज इस बैठक में तमाम लोगों के साथ चर्चा हुई है। हम लोग सीधे सुनेंगे इसको लेकर के तमाम दलों के नेता यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक मणिपुर की घटना को लेकर तमाम साथी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। CPIML और CPM के साथी भी हैं। क्या है कि हम लोग मिलकर के जो केंद्र सरकार की निकम्मी सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार तो बताती है अपने आप को, लेकिन जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ या यूं कही आदिवासी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको हम इंडिया गठबंधन के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी संदर्भ में बैठक हुई और हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग 1 जुलाई को राजभवन के सामने, 1 अगस्त को राजभवन के सामने 11 बजे से सभी इंडिया के घटक दल के साथी बैठेंगे और इस घटना का विरोध करेंगे। साथ ही साथ सभी जिलों में हम लोग मिलजुल कर इंडिया के बैनर तले उपायुक्त के कार्यालय के सामने धरना दे करके महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और ये मांग करेंगे कि जो मणिपुर में घटना हो रही है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, साथ ही साथ वहाँ कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो। इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। जो घटना अभी घटी थी उस पर भी JNM के साथी और अन्य साथियों ने, चूँकि CPI के नेता थे सुभाष मुंडा जी, उनके प्रति जो CPM के उनके प्रति संवेदना व्यक्त की गई है और हम लोग इस मसले को काफ़ी गंभीरता से लिए हैं और सरकार के जो मुखिया हैं हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कानून का राज रहेगा, कोई भी इस तरह की घटना होगी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पिछले दिनों जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय आलमगीर आलम साहब ने, माले के विनोद सिंह जी ने और तमाम जो जदयू और राजद के साथी थे, राजद के साथी सत्यानंद भोक्ता जी ने, सभी लोगों ने मिलकर के ये निर्णय लिया था कि एक इंडिया की बैठक हो और उस बैठक में सब लोग शामिल होकर के अपनी अपनी राय दें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष में इंडिया के तमाम गठबंधन के लोग यहां पर उपस्थित हैं, सभी नेता यहां उपस्थित हैं और आज निर्णय यही लिया गया है कि इंडिया जो घटक दल के तमाम लोगों ने एक सहमति किया है कि 1 तारीख 11 बजे गवर्नर हाउस के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो मणिपुर की जो समस्या है वो दिन ब दिन जो है आग की तरह फैल रहा है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहाँ जो है जो जिस तरह का 4 तारीख को जो घटना घटी थी वो पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाली जो बातें हैं उस बात पर भी सरकार, केंद्र सरकार ने कोई संज्ञान में नहीं लिया। आप जानते हैं कि शनिवार को इंडिया के 20 संसद वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ वो भी देख रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बात कम से कम केंद्र सरकार के कान तक हम लोग पहुँचाएँ धरना प्रदर्शन के माध्यम से। इसीलिए 2 कार्यक्रम हम लोग ने लिया। पहला 31 तारीख का जो कार्यक्रम लिए हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम जो हैं MLAs जो हैं उसको एक साथ बैठकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे Gate No. 3 विधानसभा में, और दूसरा जो है 11 तारीख को 11 बजे से 3 बजे तक गवर्नर हाउस हम लोग करेंगे। ये हम लोग चाहते हैं कि 90 दिन गुजर जाने के बाद भी मणिपुर की समस्या के कोई समाधान नहीं किया है और आज भी मणिपुर जल रहा है, वो जलने से कैसे
बचे, इसका प्रयास हम तमाम इंडिया के तमाम दल हम लोग इसमें लगे हुए हैं। घटनाएं सिर्फ राजस्थान और क्या बोलते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ और झारखंड में नहीं है, ये बात तो आनी चाहिए आसाम की, गुजरात की बात आनी चाहिए, मध्य प्रदेश की बात आनी चाहिए। तो वो जो है इसको दिग्भ्रमित करने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो घटना है 90 दिन से एक नहीं सैकड़ों नहीं लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, उसका भी कोई संज्ञान नहीं है। तो सैकड़ों लोग मारे गए हैं, बहुत लोग जो हैं जिस तरह का हरकत हुआ, और यहाँ जो स्टेट में जो भी कुछ होता है एक घटना है, एक घटनाक्रम है, उसमें 24 घंटा का अंदर विशेष करके झारखंड पुलिस ने उद्भेदन किया है, और जो घटना अभी घटी है उसका भी उद्भेदन दो एक दिन में हो जाएगा, इस विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं। बुलाई गई है इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि मणिपुर में जो घटना घटी उससे आप हम सभी वाकिफ हैं, पूरा देश वाकिफ है, और इंडिया गठबंधन के तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पूरे राज्य में इस गठबंधन के बैनर तले मणिपुर की घटना को लेकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और रांची में विशेषकर राजभवन के समक्ष सभी दल के लोग हम लोग बैठेंगे, धरना और प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी देंगे, केंद्र सरकार को हम लोग इस बात से अवगत कराने का काम करेंगे कि जो घटना मणिपुर में घटी है उस घटना को लेकर के सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं पूरा देश और पूरा देशवासी जिस तरह से मर्माहत हैं, चिंतित हैं, केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले और मणिपुर की सरकार को अविलंब बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए। और इस बैठक के माध्यम से राज्य के 2400 जिले में हम लोगों ने ये संगठन को संदेश दिया है कि उपायुक्त के माध्यम से आप राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपें, और उस ज्ञापन में मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने की आप मांग करें। सभी दल के लोग जो इस गठबंधन में हैं राज्य के सभी जिलों में धरना और प्रदर्शन के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपेंगे, और उसके बाद अगर केंद्र सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो निश्चित रूप से हम लोग अगला कार्यक्रम और अगला कदम इस गठबंधन के तहत उठाएंगे। धन्यवाद। हम लोग बैठक रखे हैं और सर्वसम्मति से ये पास हो गया कि हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में मणिपुर का सवाल लेकर जो वहाँ अत्याचार और जो घृणित काम हो रहा है, और सैकड़ों लोग नहीं कई सैकड़ों लोग मारे गए हैं, और मरमाहत पूरे मणिपुर में लोग हैं और पलायन कर रहे हैं, विस्थापित हो कैंपों में रह रहे हैं, वहाँ के दुख दर्द के चलते हम लोग आज बैठक यहाँ रखे। और यह बैठक में हम लोग ने पूरा अपने दल दल के सब अपने दल के लोगों को पूरे जिला स्तर पर आज बैठकें सब जगह हो रही है, और बैठक करके 31 तारीख को संपूर्ण है सो झारखंड प्रदेश में जिला समाहरणालय में एक तारीख को पूरा जिला समाहरणालय में धरना दिया जाएगा, और मांग पत्र से महामहिम है सो राष्ट्रपति के नाम से उपायुक्त को दिया जाएगा, जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, विधि व्यवस्था ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, इसके लेकर हम लोग बैठक किए हैं। और इस तरह का जो घटना के खिलाफ में हमारे अभी मणिपुर गए हैं, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा जो भी गए हैं सब लोग, वो भी जायजा करके आएंगे, और मैं भी आज जाऊंगा, और कल है सो वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग भी धरना वहाँ देने जा रहे हैं, केंद्र में भी केंद्र सरकार के विरोध में वहाँ, और हम लोग बहस की मांग कर रहे हैं, लेकिन बहस से भाग रही है बीजेपी की सरकार और नहीं बहस में शामिल होना चाहती है, ये सब है। इसी तरह से पूरे देश में ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं संगठन के सब साथी एनडीए के साथी पूरे देश में इस तरह से बैठ के एनडीए के सभी साथी इंडिया के सभी साथी करते हैं कर रहे हैं, और पूरे देश में इस तरह से उफान आएगा और पूरे देश में तहलका मचेगा, तूफान की तरह से संगठन को खड़ा करके इंडिया आगे बढ़ेगा। चर्चा की बात कर रहे हैं भाई, चर्चा बोलते हैं करने के लिए तो हम लोग तो तैयार हैं, तो क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं राज्यसभा में आते हैं,
यार लोकसभा में क्यों नहीं चर्चा के बहस में शामिल होते हैं? वो लोग जान बूझ कर सत्ता पक्ष के लोग ये ऐसे हंगामा कर देते हैं और स्थगित कर देते हैं। हम लोग तो वहाँ देख रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे वहाँ। वही लोग सत्ता पक्ष के लोग जान बूझ के एक तरफ बोलते हैं हम तैयार हैं और एक तरफ से वही लोग डिस्टर्ब कर देते हैं और उसके बाद स्थगित करते हैं आपका सभापति। ये स्थिति चल रहा है। अरे भाई यहाँ का स्थिति और मणिपुर का जमान आसमान का फर्क है। सबको एक ही साथ आप लोग जोड़कर नहीं लें कृपया। यहाँ जो है मामला है उस पर ऐसा सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है, एक्शन में आ रहे हैं। उस पर ऐसा दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा और कार्रवाई होगी। तो आप लोगों ने यहाँ पर तमाम दलों के नेताओं को सुना, जिनका स्पष्ट कहना है कि मणिपुर हिंसा को लेकर के केंद्र सरकार संज्ञान ले और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए ताकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया जा सके, साथ ही साथ वहाँ पर किस तरीके से शांति वहाँ पर हो, तमाम लोगों के बीच जो हिंसा चल रही है उस पर किस तरीके से रोक लग सके, उसको लेकर के यहाँ पर रणनीति तैयार की गई है। जहाँ झारखंड मानसून सत्र के दौरान तमाम जो यहाँ पर इंडिया के घटक दल हैं वो सदन के बाहर मणिपुर हिंसा को लेकर के प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर 1 अगस्त को राजभवन के बाहर भी कुछ ऐसे ही धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा और राज्यपाल से मिलकर तमाम चीज़ों को आप यहां पे अपनी बातें रखते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, सहयोगी मुकेश के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया रांची।